हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है नॉर्थ ईस्ट। ये वाला जो टॉपिक है आपका क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस की बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसमें चैप्टर नंबर 7 रीजनल एस्पिरेशंस, ध्यान देना 2023-24 की जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नंबर 7 कर दिया। पहले ये चैप्टर नंबर 8 था, ठीक है। तो खैर एनीवे, नॉर्थ ईस्ट वाला जो टॉपिक है इसका रीजनल एस्पिरेशंस का, इसको हम कवर करेंगे, पूरा फुल कवर करने वाले। इसके अंदर जो सब टॉपिक्स है वो भी हम कवर करेंगे, है ना, विद मैप के साथ सारी चीजें हम आराम आराम से डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 30 मिनट से ज्यादा कहीं रहेगा आई एम श्योर। आप देखो तो शुरुआत करते हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, है ना। देखो भाई, ये है अपना डायरेक्शन, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है। भारत में नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, ये जो स्टेट दिखा रखे हैं ये जनरली नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, ये और ये ईस्ट सिक्किम, ये सब नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्ट के पीपल है जो जनरली आपने देखे होंगे। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर अपने आप में एक अलग ही कल्चर है, यूनिक कल्चर है, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में ये जो 7 स्टेट है ना, इनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स में ध्यान देना, जनरली सिक्किम को नहीं लेते हैं 7 सिस्टर्स में। और कौन कौन से आते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय, ये 7 स्टेट को बोला जाता है 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये वाले जो 7 सिस्टर्स हैं या नॉर्थ ईस्ट है, ये मेनलैंड इंडिया, बीच में बांग्लादेश है और ये बहुत हल्के से कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक 22 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है जिसको बोलते हैं चिकननेक या सिलगुड़ी कॉरिडोर, इससे जुड़े हुए हैं। तो अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए ना, यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाए तो ये पूरा की पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है भारत से अलग हो जाएगा। इसलिए ये वाला जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे बांग्लादेश है, इधर नेपाल है और यहाँ पे नजदीक में ही भूटान है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है ना, बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। पड़ोसी देशों की बात करें अगर नॉर्थ ईस्ट में, तो इधर की साइड में म्यांमार है, किधर की साइड में, ईस्ट की साइड में, नीचे साउथ में, और इधर ईस्ट की तरफ बांग्लादेश है, ऊपर भूटान है और इधर नेपाल है अगर सिक्किम के पास देखें, और यहाँ पे चाइना है। तो मतलब आप देखो, इसका जो बॉर्डर है इंडिया के साथ कम है, विदेशों के साथ ज्यादा है। टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 99.01% जो बॉर्डर है ना नॉर्थ ईस्ट का, वो फॉरेन कंट्रीज के साथ है। और इसका जो बहुत कम, मतलब जो बॉर्डर है बहुत कम, जो बॉर्डर है पॉइंट में पॉइंट या 1% से भी कम जो बॉर्डर है इसका लगता है किसके साथ, इंडिया के साथ। तो इनका बाहर के देशों के साथ बॉर्डर ज्यादा लगता है। आप देखो ये पूरा की पूरा ये सब विदेशी भूमि से लगा हुआ बॉर्डर है। यहाँ पे तो थोड़ा सा है, 0.1% से भी कम, मतलब बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है। तो ये पूरा की पूरा रीजन है नॉर्थ ईस्ट, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये मेनलैंड इंडिया से हल्के से एक कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं सिलगुड़ी कॉरिडोर, जो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, और 22 किलोमीटर इसकी बढ़ते हैं। ये सब नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है, आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट का, ये सब लोग नॉर्थ ईस्ट के हैं। थोड़ा आपको अच्छा लगेगा एक्चुअली, जब आप मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखोगे, वहां जानोगे, तो आपको माइंड में याद रखना बड़ा आसान रहेगा, ठीक है। डायरेक्टली अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो मजा नहीं आता। ये भी बुक में मैप दे रखा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ठीक है। तो पड़ोसी देश भी दिखा रखे हैं यहाँ पे, नीचे भी बंगाल भी है, इधर म्यांमार, चाइना, भूटान है ना, ये बांग्लादेश, और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है विद कैपिटल्स। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर की। तो इन द नॉर्थ ईस्ट रीजनल एस्पिरेशंस रीच्ड एट ए टर्निंग पॉइंट इन 1980s। यहाँ पे रीजनल एस्पिरेशंस मतलब इस वाले रीजन में जो लोगों की इच्छाएं, मतलब यहाँ के लोगों की भी यही इच्छा थी कि मतलब यहाँ के लोगों को एक ऑटोनॉमी मिले, यहाँ के लोगों को एक अलग से गवर्न करने के लिए सिस्टम दिया जाए, स्पेशल मतलब इनको अधिकार दिए जाए, इनकी जो ट्राइब है, ट्राइबल एरिया है, इनका कल्चर है, इनके रिचुअल्स हैं, इनको इनके हिसाब से मेंटेन करने का मतलब छूट दी जाए। तो इनके लोगों की भी क्या है, कुछ रीजनल एस्पिरेशंस थी। तो रीजनल एस्पिरेशंस नॉर्थ ईस्ट में कब स्टार्ट होती हैं, एक टर्निंग पॉइंट पर आ जाती है 1980s वाले टाइम पर। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या, नॉर्थ ईस्ट का मतलब 7 स्टेट्स जिनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर। कौन कौन से 7 स्टेट है, मैंने बताया था, त्रिपुरा 1, मिजोरम 2, मणिपुर 3, नागालैंड 4, अरुणाचल प्रदेश 5, आसाम 6 और मेघालय 7। इन 7 स्टेट्स को हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स। इंडिया की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 4% के समथिंग पॉपुलेशन रहती है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, मेन इंडिया से कनेक्टेड है एक स्मॉल कॉरिडोर से, 22 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है। और इस स्मॉल कॉरिडोर का मैंने नाम बताया था सिलगुड़ी कॉरिडोर, ध्यान रखना सिलगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, उससे कनेक्टेड है, बहुत छोटा सा कॉरिडोर है ना।
इट हैज मोर बाउंड्रीज विद चाइना, इसकी ज्यादातर बाउंड्रीज किसके साथ देखनी पड़ेगी, ऊपर चाइना है, इधर म्यांमार है और इधर बांग्लादेश है, तो तीन देशों के साथ इसकी बाउंड्री बहुत ज्यादा है, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। नॉर्थ ईस्ट आपको देखने को मिलेगा, नीचे जो कंट्रीज हैं उनको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए नॉर्थ ईस्ट को बोला जाता है गेटवे, इंडिया का गेटवे माना जाता है। अगर नॉर्थ ईस्ट से अगर अब सॉरी साउथ ईस्ट से अगर आप आ रहे हो तो आपको एंट्री कहाँ से लेनी पड़ेगी, जनरली यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो, नॉर्थ ईस्ट से ले सकते हो इंडिया में, ठीक है। तो ये चार पांच पॉइंट याद रखना, सेवन सिस्टर्स, सात स्टेट को सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, इन सेवन सिस्टर्स को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, यहाँ पे रीजनल एस्पिरेशंस 1980 में स्टार्ट होती है, टोटल पॉपुलेशन इंडिया की जो है 4% नॉर्थ ईस्ट में रहती है, एक स्मॉल कॉरिडोर से इंडिया से कनेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं चिकन नेक या सिलगुरी कॉरिडोर, जिसकी विड्थ है 22 किलोमीटर, उसका मेनली बॉर्डर लगता है चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, और ये जो है साउथ ईस्ट एशिया के लिए गेटवे की तरह काम करता है, ये है वो नैरो कॉरिडोर जिसको हम बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट में कुछ चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे, है ना, अब क्या क्या चेंजेज आते हैं, तो त्रिपुरा, मणिपुर, खासी हिल्स ऑफ मेघालय वर प्रिंसली स्टेट विच मर्ज विद इंडिया आफ्टर 1947, आपको देखने को मिला जैसे ही आज देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, तो तीन जगह भारत में मर्ज हो जाती है, कौन कौन सी, त्रिपुरा, मणिपुर, खासी हिल्स ऑफ मेघालय, पहले ये प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि 1947 के टाइम पर कौन कौन से प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको बताना त्रिपुरा, मणिपुर और खासी हिल्स ऑफ मेघालय, ये तीनों प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, ये भारत में मर्ज हो जाते हैं। ये वाला जो रीजन है नागालैंड, नागालैंड क्रिएट होता है 1963 में, ध्यान रखना नागालैंड 1963 में क्रिएट होता है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय कहाँ कहाँ पर है, ये हो गया मणिपुर, ये हो गया त्रिपुरा और ये हो गया मेघालय, ये तीनों बने थे 1972 में। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ऊपर नीचे नीचे है मिजोरम और ऊपर ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, ये सेपरेट स्टेट बन जाते हैं 1987 में। सेपरेट स्टेट का मतलब है पहले ये प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, बाद में फिर ये क्या बन जाते हैं, मतलब अलग से स्टेट रोड का दर्जा इनको मिल जाता है। अब नॉर्थ ईस्ट में कुछ आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स है नॉर्थ ईस्ट में ना, तो जैसे ही भारत का पार्टीशन हुआ था तो ये वाला जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, ये लैंडलॉक रीजन पड़ जाता है, आपको देखने को मिलेगा इधर एक कंट्री, ऊपर भी एक कंट्री, इधर भी एक कंट्री, तो ये जो रीजन है लैंडलॉक रीजन बन जाता है, जिसकी वजह से मेनलैंड इंडिया, इधर जो मेन है इंडिया, उससे ये क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि हल्का सा ही इनका कनेक्शन है इस जगह पर जिसको हम बोलते हैं सिलगुड़ी कॉरिडोर, तो इसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी पर ज्यादा जो मेन सरकार है वो ध्यान नहीं दे पाती है। और जब देश आजाद हुआ था तो आप सबको बताया उसके बाद तो इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, रीऑर्गेनाइजेशन की एक अपनी प्रॉब्लम चल रही थी, पार्टीशन के टाइम पे ही मतलब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो जाता है ना, फिर चाइना के साथ 1962 में प्रॉब्लम हो जाती है, 1965 में फिर पाकिस्तान के साथ दिक्कत हो जाती है, तो मेनलैंड इंडिया में भी बहुत सारी समस्या चल रही थी देश आजाद हुआ था, और ये वाला रीजन लैंडलॉक्ड है तो ये मतलब इस पर ज्यादा ध्यान नहीं जा पाता, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी क्या रह जाती है, पिछड़ जाती है, और ये रीजन जो है बाकी इंडिया से कट ऑफ होने की वजह से, अलग होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। इस वाले रीजन में एक और समस्या क्या देखने को मिलती है कि आपको पता है 1971 में पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ था, यहाँ पर वॉर हुआ था, तो उसकी वजह से यहाँ से बहुत सारे माइग्रेंट भाग भाग के कहाँ पे आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आ जाते हैं, प्लस इंडियन स्टेट से भी यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेंट आ जाते हैं, और ये माइग्रेंट जब नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो यहाँ के लोगों को उनसे डर लगता है, डर इन द सेंस ऐसे लगता है कि ये लोग बाहर से आएंगे तो हमारी नौकरी छीनेंगे, हम गरीबी बढ़ जाएगी हमारे यहाँ पे, हमें मतलब हम खुद माइनॉरिटी में आ जाएंगे, तो ऐसे मतलब ये डरते हैं, तो कुल मिला के यूँ कहना पड़ेगा बाहर के लोगों से एक्चुअली डर लगता है, ये एक साथ बहुत सारे लोग जब आ जाते हैं, तो नेबरिंग स्टेट और कंट्री से जो माइग्रेंट आ रहे थे उन, ये भी एक समस्या थी नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है। और मेन इंडिया का इनके साथ ज़्यादा खास कम्युनिकेशन था नहीं, तो ये भी एक इशू बन जाता है, पॉलिटिकल इशू बन जाता है कि यहाँ पर मतलब सरकार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसके कई सारे रीजन डिस्कस कर लिए। तीन रीजन नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, मेनली तीन मेन इश्यूज हैं, तीन मेन इश्यूज मतलब तीन मेन बड़ी बड़ी समस्याएं नॉर्थ ईस्ट में, और इन्हीं तीन समस्याओं में टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। पहली समस्या है ऑटोनॉमी की डिमांड। अब देखो ऑटोनॉमी का मतलब होता है एक प्रकार से इंडिपेंडेंस देना आपको, है ना, एक प्रकार से कुछ चीज़ों में आपको आज़ादी दे देना कि इन चीज़ों में आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, इन चीज़ों में आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ के लोग मतलब डिमांड कर रहे थे कि यार हमें ऑटोनॉमी दो, हम अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगे, हमारा कल्चर अलग है, मेन इंडिया का कल्चर अलग है, तो हमें अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को मैनेज करने दो, तो कुछ हमें मतलब एक्स्ट्रा पावर चाहिए और कुछ हमें ऑटोनॉमी दो, हम अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो पहली चीज़ थी ये थी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग थे ये डिमांड कर रहे थे ऑटोनॉमी की, कि भैया हमें ऑटोनॉमी दो, वी विल मैनेज अवर थिंग्स अकॉर्डिंग टू अवर
अवर सेल्फ ओनली, हमारे खुद के हिसाब से हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। दूसरा, मूवमेंट फॉर सिसेशन। सिसेशन का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना, टूट कर अलग होना। यार ये तो बहुत खतरनाक चीज है ना। यहाँ पे मूवमेंट चल जाता है अलग होने का। यहाँ पे कई स्टेट ऐसे थे और कई ट्राइब्स ऐसी थी जो डिमांड करती है कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हमें भारत से अलग कर दो। तो ये थोड़ी डेंजरस है भारत की इंटीग्रिटी के लिए, राइट। और तीसरा है अपोजिशन टू आउटसाइडर्स। बाहर से जो लोग आ रहे थे, स्पेशली बांग्लादेश से जो लोग आ रहे थे, अब बंगाल से जो लोग आ रहे थे, उनका यहाँ पे अपोजिशन होता है, स्पेशली आसाम में बहुत ज्यादा अपोजिशन होता है। तो ये तीन मेन समस्याएं नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में। जल्दी बताओ पहली कौन सी है, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, दूसरा मूवमेंट फॉर सिसेशन, और तीसरा अपोजिशन टू आउटसाइडर्स। एक एक करके तीनों को समझते हैं। पहला डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी समझिए ना, यहाँ के लोग जो डिमांड कर रहे थे कि हमें अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करने दो। तो देखो 1947 के टाइम पर, ध्यान देना 1947 के टाइम पर, तो मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दो, ये वाला है मणिपुर और ये वाला है त्रिपुरा, ये पूरा की पूरा रीजन आसाम हुआ करता था। ध्यान देना 1947 में, मैं फिर बता रहा हूँ, दो स्टेट को छोड़ दो, मणिपुर और त्रिपुरा, ये रहा मणिपुर और ये रहा त्रिपुरा, पूरा की पूरा एरिया क्या कहलाता था, आसाम कहलाता था। इवन जो आज की डेट में अरुणाचल प्रदेश है ना, जिसको हम पहले नेफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये इसके नॉर्थ में हुआ करता था, ये भी पार्ट था किसका, आसाम का। तो 1947 की ये बात है, जब देश हमारा आजाद हुआ था तो नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ आपको मोस्टली ज्यादातर एरिया किसके अंडर में आएगा, आसाम के अंदर में, और उसके बाद दो चीज और थी, मणिपुर और त्रिपुरा। ध्यान रखना कौन कौन से है, मणिपुर, ये वाला मणिपुर और ये त्रिपुरा, है ना, ये चीज आप ध्यान रखना। डिमांड फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी वाज रेज्ड व्हेन नॉन आसामीज फेल्ट दैट आसामी गवर्नमेंट वाज इम्पोजिंग आसामी लैंग्वेज ऑन देम। अब देखो मोस्टली रीजन तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आसाम का ही है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड जब उठने लगती है, जब यहाँ की आसाम की जो सरकार है ना, ये अपनी आसामी लैंग्वेज को इम्पोज करने लग जाती है यहाँ के लोगों पर। अब देखो इस वाले रीजन में ना कई सारी ट्राइब रह रही थी, और हर ट्राइब की अपनी अलग अलग लैंग्वेज और अपना अपना कल्चर होता है। यहाँ पर क्या गड़बड़ी कर दी, आसाम की जो सरकार थी ना, वो अपनी आसामी लैंग्वेज को इन पर इम्पोज करने की कोशिश कर रही थी। इम्पोज करने का मतलब है लागू करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से जो अदर ट्राइब्स थी यहाँ पे, उन्होंने मतलब इस चीज का क्या किया, विरोध हुआ। और आपको देखने को मिलेंगे पूरे के पूरे आसाम स्टेट में यहाँ पे बहुत ज्यादा अपोजिशन होता है इस चीज का, और कई जगह पर राइट्स का मतलब है दंगे भड़क जाते हैं, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। मेजर जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, उनके लीडर्स ने मतलब डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि यार हमें तो भैया आसाम से अलग कर दो, हमसे नहीं हो पाएगा ये। एक्चुअली आसाम क्या है, आसामी लैंग्वेज को जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहा है, उनको आती नहीं है, और ये चीज क्या डेंजरस है। सेम चीज हमने देखी थी श्रीलंका के केस में, श्रीलंका में भी आपको पता होगा सिन्हेला लैंग्वेज को लागू करने की कोशिश की गई थी तमिल्स के ऊपर, जिसकी वजह से एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज ना डेंजरस होती है, आप जबरदस्ती किसी पर कोई चीज थोप नहीं सकते, राइट। तो यहाँ के आसाम में मेन में जो लीडर्स हुआ करते थे, बड़ी बड़ी जो ट्राइब्स के लीडर्स जो हुआ करते थे, उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि भैया हमें तो सेपरेट कर दो किससे, आसाम से। और इन्हीं बड़े बड़े लीडर्स ने क्या किया, एक यूनियन बनाया जिसका नाम था ईस्टर्न इंडियन ट्राइबल यूनियन। अब ये ईस्ट वाला एरिया है तो ईस्टर्न इंडियन ट्राइबल यूनियन, और जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है ऑल पार्टी लीडर्स कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी हिल लीडर्स। ये जो लीडर है, ये पूरा रीजन हिली एरिया है। अगर मैं आपको ज्योग्राफी के हिसाब से बात करूं तो इसको हम पूर्वांचल बोलते हैं या ईस्टर्न हिमालय बोलते हैं, इधर वाले पार्ट को, है ना। और यहाँ पर तीन हिल्स पाए जाते हैं, गारो खासी जयंतिया, है ना, बांग्लादेश के ऊपर गारो खासी जयंतिया, और ये पूरा हिली रीजन है, बहुत सारी हिल्स पाई जाती हैं। तो इसलिए नाम क्या रखा जाता है, ईस्टर्न इंडियन ट्राइबल यूनियन पहले, ये जो बड़े बड़े मेजर ट्राइब्स ट्राइबल कम्युनिटीज के लीडर्स ने ये बनाया, बाद में जिसका नाम करके ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस 1960 में कर दिया जाता है। और इन्होंने डिमांड की कि भैया ट्राइबल स्टेट बनाए जाएं, आसाम से अलग अलग ट्राइबल स्टेट बनाए जाएं। बहुत ज्यादा जब अपोजिशन हुआ, बहुत ज्यादा जब यहाँ पे प्रोटेस्ट होने लगा आसाम वाले रीजन में, तो सरकार फाइनली मान जाती है और सरकार ने कई सारे स्टेट यहाँ पे क्रिएट कर दिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नंबर एक मेघालय बना दिया, ये रहा मेघालय, है ना, बांग्लादेश के ऊपर। दूसरा मिजोरम बना दिया, तो आप देखोगे मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में मिजोरम, ध्यान देना मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में क्या है, मिजोरम है, मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में मिजोरम, ओके, ये चीज आप ध्यान रखना। तो मेघालय बना दिया, मिजोरम बना दिया, ऊपर नेफा वाला जो जगह था उसको अरुणाचल प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीजें बना दी जाती हैं आसाम के अंदर से। कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं, नंबर एक मेघालय,
नंबर 2 मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये क्रिएट कर दिया थी जब बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है। त्रिपुरा और मणिपुर जो थे, त्रिपुरा और मणिपुर ये शुरू शुरू में आपको बताइए स्टार्टिंग से ही थे ये आसाम के अलावा, इनको अपग्रेड कर दिया जाता है स्टेट्स में, ये प्रिंसली स्टेट थे तो सॉरी ये आपके यूनियन टेरिटरीज थी, बाद में इनको कंप्लीट स्टेट्स का दर्जा दे दिया जाता है। त्रिपुरा और मणिपुर, ये रहा त्रिपुरा, ये रहा मणिपुर और बीच में मिजोरम बन जाता है आसाम में से, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो मतलब रीऑर्गेनाइजेशन है वो 1972 में कंप्लीट होता है, ध्यान देना 1972 में कंप्लीट हो जाता है नॉर्थ ईस्ट का रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर भी आपको देखने को मिलेगा आसाम में, आप देखो यार इतना कर दिया ना पर लोग ना सेटिस्फाई ना होते, फिर भी आसाम के अंदर कुछ कम्युनिटी थी जैसे बोडो, खारवी और डिसमास, ठीक है सॉरी डिमासस, हो सकता है इनका कुछ प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे अलग होता हो तो माफ करना अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अगर गड़बड़ हो तो आसाम में कुछ कम्युनिटी जैसे बोडो, कार्बी और डिमासस, इन्होंने सेपरेट स्टेट की डिमांड करने लग गए, यार कितना तोड़ोगे भाई हैं, तो ये सेपरेट स्टेट की डिमांड करने लग जाते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज को तो फुलफिल कर नहीं सकती कि भैया अलग से कितने सारे स्टेट बना दो, ऐसे तो अब जब हमारा देश आजाद हुआ था तब 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, अब ऐसे ही हर देश हर राष्ट्र हर राज्य में ऐसे ही सब लोग अलग अलग ऑटोनॉमी की डिमांड करेंगे तो बहुत सारे स्टेट क्रिएट हो जाएंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए। जब बोडो, कार्बी और डिमासस ये जब आसाम के अंदर सेपरेट स्टेट की डिमांड करती हैं तो सरकार क्या करती है, इनको ऑटोनॉमी दे देती है। कार्बीज और डिमासस वाली जगह है यहाँ, इनको ले आती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के अंदर ऑटोनॉमी दे देती है, और बोडो जो है उनको ऑटोनोमस काउंसिल्स के अंदर ऑटोनॉमी दे देती है। मतलब ध्यान देना कार्बी और डिमासस इनको मिल जाएगी ऑटोनॉमी किसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में, ये अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। और बोडोज को कहाँ पर दे दी, ऑटोनॉमस काउंसिल के अंदर, इनको ऑटोनॉमस काउंसिल दे दी जाती है और इनके माध्यम से ये क्या कर सकते हैं, ये जो ट्राइबल लोग हैं ये अपने कल्चर को अपने एरिया को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ कंप्लीट हमारा पहला वाला टॉपिक, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी मेनली कहाँ पर होती है, आसाम वाले रीजन में होती है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा फटाफट दो मिनट में बता रहा हूँ, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी आज़ादी के टाइम पर भारत इसमें पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में मेनली मणिपुर और त्रिपुरा के अलावा ज्यादातर पूरा की पूरा एरिया क्या कहलाता था, आसाम कहलाता था। आसाम की सरकार ने यहाँ पर ध्यान देना अपनी आसामी लैंग्वेज को इम्पोज करने की कोशिश की, जिसकी वजह से यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, अदर ट्राइबल लोग हैं, उन्होंने अपोजिशन स्टार्ट कर दिया और पूरे स्टेट में अपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। और जो मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज थी उन्होंने बना दिया ईस्टर्न इंडियन ट्राइबल यूनियन, जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस 1960 में, और इन्होंने सेपरेट ट्राइबल स्टेट बनाने की मांग कर दी। बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मान जाती है और मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बना दिए जाते हैं आसाम में से, ठीक है। और ये प्रोसेस चलता रहता है, मणिपुर और त्रिपुरा इन दोनों को स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है और 1972 में नॉर्थ ईस्ट का रीऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर भी आसाम के अंदर बोडो, कार्बी और डिमासस ये जो हैं कम्युनिटीज, ये डिमांड कर रही थी कि हमें सेपरेट स्टेट दो, मगर सरकार ने इनको क्या दे दी, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करा दी और इनको शांत कर दिया, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे सेसेशनिस्ट मूवमेंट, मिजोरम का सेसेशनिस्ट मूवमेंट। सेसेशनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा मूवमेंट जो अलग होने की बात करता है, इसको हम अलगाववादी आंदोलन भी कह सकते हैं, अलगाववादी आंदोलन कह सकते हो, जो अलग होने की बात करे। ये बहुत ज्यादा डेंजरस चीज होती है यार, आप अब अपना देश जो है इसीलिए जाना जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, अपने देश में बहुत सारे टाइप की डाइवर्सिटी है फिर भी देश हमारा एक है, ठीक है। तो हमें ऐसी माइंड में विचार लाने नहीं चाहिए देश से अलग होने के, ठीक है। मतभेद हो सकते हैं किसी चीज को लेकर, पर इन मतभेदों की तरह वजह से बिल्कुल अलग होने का हमें बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए, राइट। खैर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लोग जो है ये अलग होने की डिमांड करते हैं। मिजोरम ध्यान रखना है ना, ओके। तो जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, मिजो हिल्स एरिया ये एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है आसाम के अंदर। मिजो हिल्स एरिया, मिजो आपको पता ही है, मणिपुर के बाद मिजोरम आता है, ऊपर से देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो ये नीचे वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना जैसे ही देश आजाद हुआ तो आसाम के अंडर में था ये मिजो हिल वाला एरिया, आसाम के अंडर में था, ठीक है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था इसको। कुछ लोगों का मानना था, मिजो पीपल का मानना था कि यार हमारा जो मिजो है ना ये कभी भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं रहा, और एक्चुअली ब्रिटिश जब अंग्रेज जब यहाँ पे थे ना तो अंग्रेजों ने यहाँ पे ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया था, इनके लोकल कल्चर में ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया था, इनको जैसे थे वैसे रहने दिया था। अंग्रेज जो मतलब रॉ मटेरियल के लिए बस इस एरिया को यूज करते थे, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अंग्रेजों का यहाँ पे नहीं रहता, इसलिए आप देखो जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें ऐसा खास यहाँ पे आप देखोगे नहीं है ना,
है कई जगह पर बहुत ज्यादा मतलब आपको देखने को नहीं मिलेगा। खैर, तो मिजो क्या मानते थे कि हम कभी भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं थे, इसलिए हम इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं, और इंडिया से बिलोंग नहीं करते तो भैया हमें आजाद कर दो, हमें तो भैया इंडिया में नहीं रहना। सिसेशनिस्ट मूवमेंट बिकेम मोर पावरफुल व्हेन आसाम गवर्नमेंट फेल टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग ग्रेट फेमाइन ऑफ 1959 इन मिजो हिल्स। अब देखो यहाँ पे समस्या ज्यादा कब हो जाती है, 1959 में मिजो हिल्स में आ जाती है फेमाइन, ग्रेट फेमाइन आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं भूख की वजह से। और इस समय आसाम गवर्नमेंट फेल हो जाती है, आसाम गवर्नमेंट इनकी हेल्प नहीं करती। अब इनका गुस्सा है और ज्यादा भड़क जाता है, और ज्यादा भड़क जाता है तो ये कहते हैं नहीं भैया आप तो हम बिल्कुल अलग होके ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके बाद यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम है मिजो नेशनल फ्रंट, MNF। इसको बनाया जाता है लाल डेंगा के अंडर, एक लीडर थे जिनका नाम है लाल डेंगा, इनके अंडर में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया जाता है। तो ये वाला पॉइंट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 1959 में मिजो हिल्स में एक ग्रेट फेमाइन आती है, उसमें आसाम गवर्नमेंट जो है मिजो हिल्स के लोगों की हेल्प करने में नाकाम रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे नाराज होकर लोगों ने मूवमेंट और ज्यादा मजबूत कर दिया, और एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है मिजो नेशनल फ्रंट, जिसको बनाने वाले थे या किसके अंडर में बनाया जाता है लाल डेंगा, जो इनके चीफ मिनिस्टर ही बनेंगे मिजोरम बनने के बाद, ध्यान रखना है ना। 1966 में MNF ने अपना स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया, MNF मतलब मिजो नेशनल फ्रंट ने अपना स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया इंडिपेंडेंस के लिए, और जो टू डिकेड्स तक चलेगा बिटवीन मिजो इंसर्जेंट और इंडियन आर्मी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ के जो अब देखो इंसर्जेंट कौन है, जब देश के लोग ही देश के खिलाफ बगावत करते तो उनको बोलते हैं इंसर्जेंट या मिलिटेंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लोग बगावत कर रहे थे, अलग होने की बात कर रहे थे, इनको हम बोलते हैं मिजो इंसर्जेंट। इनकी और इंडियन आर्मी के बीच में झड़प चलती रहती है दो डिकेड तक, मतलब 1966 से 1986 तक ये मतलब स्ट्रगल चलता, 20 साल तक मतलब यहाँ पर इनके बीच में संघर्ष चलेगा। बाद में क्या होता है यहाँ पे सरकार जो है इंडियन गवर्नमेंट राजीव गांधी जी के अंदर में इनके बीच में एक पैक्ट साइन हो जाता है और मामला शांत हो जाता है। खैर ध्यान रखना टू डिकेड तक यहाँ पे मामला चलेगा। मिजो नेशनल फ्रंट इसने गुरिल्ला वॉर मतलब स्टार्ट कर दिया, गुरिल्ला वॉर लड़ रहे थे। गुरिल्ला में आपको पता ही है ना छुप छुप कर जो अटैक किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुरिल्ला वॉर चलता है इनका इंडियन आर्मी के साथ या इंडियन गवर्नमेंट के साथ और ये इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लोगों के साथ इनका गुरिल्ला वॉर चल रहा था MNF का, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा था। क्यों सपोर्ट कर रहा था भैया, 1947 में हार चुका था पाकिस्तान, 1947 से ही मतलब इनका एक इशू था जम्मू कश्मीर को लेकर, तो पाकिस्तान तो कुछ था ही नहीं, तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान इनकी हेल्प करता है, मिजो नेशनल फ्रंट की हेल्प करता है। और लालडेंगा भागकर चले जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान में चले जाते हैं, ईस्ट पाकिस्तान जो आज की डेट में बांग्लादेश है यहाँ पर जो है ईस्ट पाकिस्तान, यहाँ पर चले जाते हैं कौन लालडेंगा, यहाँ पर ये शरण ले लेते हैं ना। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज जो है मतलब आपको देखने को मिलेगी ये जो मतलब मिजो इंसर्जेंट है इनको बुरी तरह से सप्रेस करते हैं, और इवन एयरफोर्स का भी यहाँ पे यूज किया जाता है मिजो इंसर्जेंट को काउंटर करने के लिए। मिजो इंसर्जेंट मतलब जो मिजो लोग थे जो मतलब डिमांड कर रहे थे कि हमें भैया अलग से मतलब मिजोरम बनाओ, तो इनको रोकने के लिए सरकार ने मतलब हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और बहुत सारे अलग अलग हथकंडों का इस्तेमाल किया था, इवन एयरफोर्स को भी यूज किया गया था इनको काउंटर करने के लिए। अब इस स्ट्रगल में ये जो मिजो इंसर्जेंट का स्ट्रगल है और भारतीय सरकार का जो स्ट्रगल चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा बेचारे जो मतलब विक्टिम इसके जो होते हैं वो होते हैं कॉमन पीपल, सबसे ज्यादा जो मतलब इनके जो शिकार होते हैं वो कॉमन पीपल, आम आदमी को इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है ना। इस वजह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ के लोगों में गुस्सा और एलिनेशन की भावना डेवलप हो जाती है, भारत से अलग होने की और भारत से बहुत ज्यादा ये नाराज होने की फीलिंग डेवलप हो जाती है। खैर एनीवे आपको देखने को मिलेगा टू डिकेड कि जो इंसर्जेंसी रही इस फील्ड में तब भी यहाँ पर कोई सक्सेस नहीं मिलती है, और ऐसा माना जा रहा है कि भाई 20 साल ये संघर्ष चला और यहाँ पर एवरीवन वाज लूजर, हर भारत सरकार भी कुछ खास नहीं कर पाई और ये मिजो नेशनल फ्रंट भी कुछ खास नहीं कर पाया, बल्कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो किसको हुआ है, यहाँ के लोगों को हुआ है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा बाद में पाकिस्तान से वापस आ जाते हैं लालडेंगा वापस आ जाते हैं, और इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ उस समय आपको देखने को मिलेगा 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार थी और इनके बीच में एक पैक्ट साइन होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है ना राजीव गांधी के बीच में, लाल डेंगा के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाल डेंगा जी एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं भारतीय गवर्नमेंट के साथ, और एग्रीमेंट साइन करने के बाद यहाँ पे मामला जो है सेटल डाउन हो जाता है। थोड़ा और एडिशनल आपको पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ था इसको हम बोलते हैं मिजो पीस अकॉर्ड, मिजोरम पीस अकॉर्ड या मिजो पीस अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। मिजोरम पीस अकॉर्ड कब साइन हुआ था, 30 जून 1986 को। कहाँ पे साइन हुआ था, न्यू दिल्ली में साइन हुआ था, ठीक है। और कौन कौन थे इसके सिग्नेटरीज, मतलब साइन किसने किया था, लाल डेंगा ये मिजोरम की तरफ से, और भारतीय सरकार की तरफ से RD प्रधान,
और लाल खामा ये भारतीय सरकार की तरफ से। और क्यों किया था, ये चाहते थे कि इस एरिया में जो मतलब सेसेशनिस्ट जो मूवमेंट चल रहा है इसको खत्म किया जाए, और ये खत्म भी कर देते हैं और आपको देखने को मिलेगा मिजोरम को अलग से एक स्टेट बन जाता है और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं उसके बाद इलेक्शन होने के बाद कौन लाल डेंगा। तो मिजोरम को इस अकॉर्ड के आधार पर मिजोरम को फुल फ्लेज स्टेट बना दिया जाता है और उसको स्पेशल पावर दे दी जाती है और MNF जो है बीजो नेशनल फ्रंट ये तैयार हो जाती है कि ठीक है भैया हम जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट है इसको अब त्याग रहे हैं। भाई त्यागेंगे यार, जब सरकार इनको मतलब इतना स्टेट का दर्जा दे रही है और इनको स्पेशल पावर्स दे रही है तो MNF भी राजी हो जाती है, ठीक है भैया हम भी जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट है इसको बंद करते हैं और मिजोरम के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं लाल डेंगा। ठीक है, लाल डेंगा बहुत ही ज्यादा यहाँ के फेमस लीडर हैं, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं, लोगों में इनका बहुत ज्यादा सम्मान है। तो लाल डेंगा क्या बन जाते हैं, चीफ बन जाते हैं कहाँ के, मिजोरम के। और आज की डेट में मिजोरम जो है मोस्ट पीसफुल प्लेस है इस वाले रीजन का, नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे तो मिजोरम सबसे ज्यादा शांत जगह है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चीज सीखने को मिली कि यार आप अगर जिस देश में रह रहे हो, जिस एरिया में रह रहे हो या घर में भी रह रहे हो तो कई बार क्या होता है विरोध जायज है तो उस विरोध को आप सप्रेस नहीं कर सकते, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसको नेगोशिएशन के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हो, बातचीत के माध्यम से चीजें कई बार सॉल्व हो जाती हैं। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान का मामला बातचीत से अब तक सॉल्व नहीं हो पाया है, मगर हम कोशिश करनी चाहिए, हमें बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। ये बातचीत का रास्ता होता है ना ये सबसे बेस्ट होता है और बिना किसी मतलब ज्यादा प्रॉब्लम के, बिना किसी कैजुअलिटी के चीजों को निपटाया जा सकता है। नागालैंड की स्टोरी देखेंगे, नागालैंड आपको बताइए हर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा है स्टेट, नागालैंड है। तो नागालैंड की कहानी देखेंगे भैया, ये नागालैंड के लोग हैं और तो नागाज अंडर द लीडरशिप ऑफ अंगामी झापू फिजो, ये व्यक्ति जो है इनको बोलते हैं अंगामी झापू फिजो, ये डिक्लेयर कर देते हैं इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया 1951। बताओ नागाज क्या है, नागा ट्राइब है, नागा जो लोग हैं ये इस लीडर के अंडर में अंगामी झापू फिजो के अंडर में डिक्लेयर करते थे कि भैया हम तो अलग होंगे, इंडिपेंडेंस चाहते हैं हम तो भैया, किससे, इंडिया से। और फिर भारतीय सरकार ने फिर इनसे बात करना स्टार्ट किया, भैया ऐसा मत करो यार, दिस इज नॉट राइट, ऐसा मत करो। तो ये जो फिजो हैं इन्होंने भारत सरकार के साथ सेटलमेंट करने से, नेगोशिएशन के जो ऑफर थे सबको रिजेक्ट कर दिया और बाद में आपको देखने को मिलेगा एक काउंसिल बनाई जाती है, नागा नेशनल काउंसिल NNC, इसका ये मतलब फ्लैग है, नागा नेशनल काउंसिल में बनाई जाती है। इन्होंने आर्म स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया, आर्म स्ट्रगल मतलब हथियार लेके सरकार के साथ मतलब क्या करना स्टार्ट कर दिया, लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया, कह रहे हैं कि भैया हम सोवरेंटी ऑफ नागाज के लिए लड़ेंगे, मतलब हम चाहते हैं कि नागा वाला रीजन जो है इसको अलग कर दो, इसको एक अलग से देश बनाया जाए, देश बनाने की डिमांड करते हैं कौन, नागाज, है ना। अब आपको देखने को मिलेगा बहुत लंबे समय बाद जब स्ट्रगल यहाँ चला भारत सरकार के बीच में और नागाज के बीच में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल चला, बहुत ज्यादा एक दोनों तरफ से कैजुअलिटी हुई, तो कुछ देखने को मिलेगा नागाज डिवाइड हो जाते हैं, तो कुछ ग्रुप ऑफ नागाज भारतीय सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और अपना जो ये डिमांड है कि भैया हमें एक अलग से नागालैंड देश बनाना है उसको त्याग देते हैं। मगर ये चीज जो है, अब देखो नागाज भी डिवाइड हो गए, कुछ अच्छे वाले थे जो कह रहे ठीक है हम भारतीय सरकार के साथ भैया मिलकर काम करेंगे और हमारी डिमांड को हम क्या कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, मगर कुछ लोग इस चीज से मतलब खुश नहीं थे, वो कह रहे कि नहीं भाई हम तो भैया अभी डिमांड करेंगे। इवन आज भी मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, अभी भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि भैया ग्रेटर नागालैंड बनाएंगे, नागाज के लिए एक बड़ा नागालैंड बनाएंगे, एक अलग से देश बनाएंगे। तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है बुक में, द प्रॉब्लम ऑफ नागालैंड स्टिल अबिट से फाइनल सॉल्यूशन, अभी भी मतलब नागालैंड की जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है। तो ध्यान रखना नागालैंड में जो मेन हीरो हैं, इनके मेन लीडर जो हैं अंगामी झापू फिजो, इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी इंडिया से 1951 में और फिर भारत सरकार के साथ किसी भी प्रकार के सेटलमेंट, किसी भी प्रकार से नेगोशिएट करने से मना कर दिया था। बाद में नागा नेशनल काउंसिल बनाई जाती है जिसने भारतीय सरकार के खिलाफ नागाज की सोवरेंटी के लिए एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, आर्म्ड स्ट्रगल, हथियार उठा के मतलब स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया था। बाद में कुछ नागा जो हैं, नागा ग्रुप में से कुछ लोग नागा जो कुछ नागा हैं भारतीय सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं और अपने स्ट्रगल को त्याग देते हैं, मगर कुछ नागा अभी भी मतलब ट्राई कर रहे हैं कि नहीं भाई हमें अलग से एक देश बनाओ और ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है, ये चीज आप ध्यान रखना। लास्ट टॉपिक है इसका मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स, तो जो बाहर से जो लोग आए थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्पेशली आसाम में, उनके खिलाफ यहाँ पे क्या होता है आंदोलन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारे लोग माइग्रेट होके यहाँ पे आ जाते हैं, माइग्रेट होके मतलब जैसे मैंने बताया था 1971 में जो बांग्लादेश वॉर हुआ था, बांग्लादेश जब बना था 1971 में, तो ईस्ट पाकिस्तान से और आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे बंगाली लोग यहाँ पर सेटल होने लग जाते हैं।
जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज है वो मतलब घबराने लग जाते हैं। उनको लोकल कम्युनिटीज को डर ये लगता है कि अगर ये बाहर से जो लोग आए ये हमारी जमीन को ले जाएंगे, हमसे जमीन छीन लेंगे, हमारे रोजगार छीन लेंगे, हमारी पॉलिटिकल पावर को भी अपने हाथ में ले लेंगे। ठीक है, तो इनको ऐसे डर था कि जमीन छीनने का, रोजगार जाने का, पॉलिटिक्स में ये आ गए तो अपने हिसाब से चीजें मैनेज करेंगे। तो ये इनका बाहर वालों का डर था, जो कि एक जायज भी है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। तो ये जो इशू था ये पॉलिटिकल फॉर्म ले लेता है और एक वायलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड करने लग गए लोग कि बाहर से जो लोग आए इनको बाहर बाहर भेजो, इनकी वजह से हमारी मतलब जो स्वतंत्रता है, सोवरेंटी है, हमारी इंडिपेंडेंस खतरे में आ रही है, हमारे जॉब्स खतरे में आ रहे हैं, हमारी जमीन छीनी जा रही है या छीन जाएगी, और हो सकता है हम फ्यूचर में माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाए या मेजोरिटी में हो जाए, तो भैया हमें मतलब भगाओ उनको, ऐसा मतलब यहाँ पे डिमांड उठने लग जाती है। तो आसाम मूवमेंट जो है ये किसके खिलाफ चलता है, आउटसाइडर्स मतलब बाहर से जो लोग आए थे यहाँ पे, बाहर का मतलब एक तो इंडिया के अंदर से और एक जैसे बांग्लादेश के अंदर से जो लोग आए थे उनके खिलाफ ये मूवमेंट चलता है। 6 साल तक चलता है, ध्यान रखना कितने साल तक चलता है मूवमेंट, 6 साल तक चलता है, 1979 से 1985 के बीच में चलता है। 1985 में खत्म हो जाता है, आसाम अकॉर्ड साइन होता है 1985 में, तब खत्म होता है। ठीक है, तो आसामी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि बाहर से जो इलीगल बंगाली मुस्लिम्स जो आ रहे हैं और कहाँ से, बांग्लादेश से, ये नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं। आसाम गवर्नमेंट को क्या लगता था, लार्ज नंबर ऑफ इलीगल बंगाली मुस्लिम्स फ्रॉम बांग्लादेश माइग्रेटेड इनटू नॉर्थ ईस्ट। तो बंगाल में आपको, बांग्लादेश में आपको बताइए लड़ाई हो गई थी 1971 में, तो उस दौरान बहुत सारे लोग जो है नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ जाते हैं बांग्लादेश को छोड़कर, बंगाली मुस्लिम्स। और यहाँ के आसामी लोगों को लग रहा था कि अगर इनको नहीं रोका गया, अब नहीं रोका गया, तो हमारी जो लोकल कम्युनिटी है ये माइनॉरिटी का स्टेटस प्राप्त कर लेगी, इनकी संख्या कम हो जाएगी और फ्यूचर में ये जो बाहर से लोग जो आ रहे हैं माइग्रेंट, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा आसाम में पॉवर्टी और इकोनॉमिक इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा लगता था किसको, आसाम की सरकार को, कि अगर ये जो बांग्लादेश से जो बंगाली मुस्लिम्स आ रहे हैं, जो इलीगल बंगाली मुस्लिम्स आ रहे हैं, अगर इनको नहीं रोका गया तो हम खुद किस में पड़ जाएंगे, माइनॉरिटी कम्युनिटी में आ जाएंगे, हमारी संख्या कम हो जाएगी, इन माइग्रेंट की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आसाम में पॉवर्टी बढ़ेगी और इकोनॉमिक समस्याएं भी बढ़ने लग जाएंगी। ठीक है, भले ही हमारे पास, इनको ऐसा भी लगता था कि इनके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फिर भी ये जो रीजन है ना आसाम वाला, ये बैकवर्ड रहता है, पिछड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर जो सरकार है उसने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज तो किया मगर इनका बेनिफिट लोकल लोगों को नहीं दिया। एक इश्यू ये भी बनता है कि भाई हम जो है बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, एक तो मतलब इनकी समस्या क्या थी कि बाहर से लोग आ रहे हैं तो ये हमारे रिसोर्सेज को यूज करेंगे, दूसरा ये क्या कह रहे हैं कि एक तो यहाँ पे जो सरकार है रिसोर्सेस, हमारे खूब सारे रिसोर्सेस हैं, सरकार रिसोर्सेस को यूज भी कर रही है मगर इनका फायदा जो है लोकल लोगों को नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए यहाँ पे एक चीज बनाई जाती है जिसका नाम है ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, आसू, शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, आसू बोल सकते हो। तो 1979 में, ध्यान रखना 1979 में, आसू जिसका फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, इन्होंने एंटी फॉरेनर मूवमेंट स्टार्ट किया, किसके खिलाफ, इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ, जो बाहर से जो इलीगल माइग्रेंट आ रहे थे उनको रोकने के लिए, और बंगाली लोगों का जो दबदबा यहाँ पे बढ़ता जा रहा था उसको रोकने के लिए, और जो फेक वोटर्स यहाँ पे रजिस्टर किए जा रहे थे उनको रोकने के लिए आंदोलन स्टार्ट करता है कौन, आसू, आसू जो लीडर्स हैं ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लाखों लोगों ने यहाँ का जो वोटर रजिस्टर है उसमें अपना नाम दर्ज करा लिया था, फेक नाम दर्ज करा लिया था, जो इनके लिए एक समस्या का विषय था। अब ये जो मूवमेंट है, आप आसाम जो मूवमेंट चल रहा है, ये डिमांड कर रहा था कि 1951 के बाद जितने भी बाहर से लोग यहाँ पे आए उनको वापस भेजा जाए, ये डिमांड थी इनकी। 1951 के बाद जितने भी आउटसाइडर्स आसाम में आए इनको सबको बाहर भेजा जाए, नहीं तो हम आंदोलन बंद नहीं करेंगे। और इन्होंने हर तरीका अपनाया अपनी डिमांड को एक्सेप्ट करवाने के लिए, जितने भी पॉसिबल इनके पास वेज थे हर प्रकार के वेज को इन्होंने अपनाने की कोशिश करी। और एक बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है, आसाम से जो तेल जाता था, आसाम में आपको पता है जगह है डिगबोई, वहाँ पे रिफाइनरीज हैं, आसाम से तेल जाता था बिहार रिफाइनरी में, उसको भी इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की, जहाँ से जो ट्रेन जाती थी ट्रेन को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, और ब्लॉक करके ऑयल सप्लाई को रोकना चाहते थे बिहार की रिफाइनरीज में। ठीक है, मूवमेंट बड़ा लंबा चलता है, आपको देखने को मिलेगा। फिर फाइनली सरकार के बीच में और आसाम के लोगों के बीच में एक अकॉर्ड साइन होता है, जिसको हम बोलते हैं आसाम अकॉर्ड 1985। तो 6 साल के लंबे स्ट्रगल के बाद राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। एक चीज़ मुझे बड़ा कहनी पड़ेगी यहाँ पे, राजीव गांधी जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, मैं आई एम रियली इम्प्रेस्ड, है ना। मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट की जो भी प्रॉब्लम है तो इन्होंने कोशिश की नेगोशिएशन करके, ठीक है चलो भाई बात करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करके प्रॉब्लम्स हल की जा सकती हैं, बजाय इनको बजाय सप्रेशन के, बजाय इनको मतलब हार्ड पावर को यूज करने के, इन्होंने सॉफ्ट पावर का यूज किया और
और मिल बैठ के मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक एग्जाम्पल सेट किया। आज की सरकारों को ये भी एग्जाम्पल है कि चीजों को बैठ के सुलझाया जा सकता है और ज्यादा हार्ड एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो 6 साल बाद आपको पता 1979 में स्टार्ट हुआ, 1985 में खत्म हो जाएगा। तो 6 साल बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि राजीव गांधी जी आसू लीडर्स के साथ क्या करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं ना, और नेगोशिएशन करके जो एग्रीमेंट साइन होता है उसको हम बोलते हैं आसाम अकॉर्ड, या एग्रीमेंट बिटवीन राजीव गांधी गवर्नमेंट एंड आसू लीडर्स। तो ये एग्रीमेंट कब साइन होता है, 1985 में साइन होता है। क्या कहा गया था इस एग्रीमेंट में, इस एग्रीमेंट में कहा गया था कि बांग्लादेश वॉर के टाइम पर, मतलब 1971 का जो बांग्लादेश का वॉर हुआ था उस समय और उसके बाद, वॉर के टाइम पर और वॉर के बाद जितने भी लोग आसाम में आए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके रेस्पेक्टिव कंट्रीज में उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, मतलब भेज दिया जाएगा। ये थी आसाम अकॉर्ड की कंडीशन, ठीक है। फिर बाद में आपको देखने को मिलेगा आसू लीडर्स और या फिर आसू जो ग्रुप है और असम गण परिषद, असम गण संग्राम परिषद, ये मिल जाते हैं और एक रीजनल पार्टी का निर्माण कर देते हैं जिसको बोलते हैं असम गण परिषद, एजीपी। तो एजीपी कब बनती है, एक तो आसू पार्टी, कौन सी पार्टी, आसू, और असम गण संग्राम परिषद, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, असम गण परिषद बनाती हैं। और इन्होंने 1985 में सरकार भी बना ली और सरकार बनाने से पहले इन्होंने मतलब लोगों को विश्वास दिलाया कि भैया हम गोल्डन आसाम का निर्माण करेंगे, आप हमें वोट दो। तो 1985 में असम गण परिषद क्या है, सरकार भी बना लेता है विद दी विजन, और किस विजन के साथ, किस लक्ष्य के साथ, कि हम आसाम को बहुत ज्यादा सुनहरा मतलब आसाम बना देंगे, आसाम को एक ऐसा स्टेट बना देंगे जहां पे मतलब खुशहाली खुशहाली होगी, ठीक है। आसाम गवर्नमेंट जो है पीस स्टेब्लिश तो हो जाती है मगर माइग्रेंट की समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, जैसे त्रिपुरा में सॉल्व हुई है ना। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आसाम में अभी भी बहुत सारी लोकल कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी का स्टेटस प्राप्त कर लिए है। तो लास्ट में यही कहा जा रहा है कि आसाम एग्रीमेंट तो साइन हो गया, यहाँ पे सरकार भी बन गई और यहाँ पे सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट भी झुक गई, मगर अभी तक पूरी तरह से ये जो माइग्रेंट की समस्या है सॉल्व नहीं हो पाई है। बहुत सारी जो कम्युनिटीज है वो माइनॉरिटी का स्टेटस प्राप्त कर रही है, मतलब उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। तो मतलब इस पर भी अभी स्टिल ध्यान देने की जरूरत है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है आज, तो नॉर्थ ईस्ट का कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।